छिंदवाड़ा में सीबीएसई पैटर्न पर शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही से तंग आकर एसोसिएशन ने यह कदम उठाया है। एसोसिएशन ने इसके लिए सहयोग करने की बात भी कही है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की सीबीएसई पैटर्न के स्कूल खोले जाने की मांग की है और कहा है कि वे इसके लिए शासन प्रशासन की तन मन धन से मदद करेंगे, जिससे एक आदर्श स्कूल का निर्माण किया जा सके। अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल द्वारा तानाशाही की जा रही है, पढ़ाई के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त हो गई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस और अन्य मुद्दों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों में और पेरेंट्स के बीच में ठनी हुई है। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स का कहना है कि वे अब प्राइवेट स्कूल संचालकों के हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। इसके लिए पेरेंट्स एसोसिएशन ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा कि बच्चों को टीसी किसी भी कंडीशन में दी जाएगी। तो उन स्कूल प्राइवेट स्कूल द्वारा पेरेंट्स लोग टीसी लेने गए तो उन लोग को 14,000, 15,000, 28,000 की डिमांड कर रहे हैं और टीसी नहीं दे रहे हैं। और जो आदेश निकाला है डीओ ऑफिस ने, वो आदेश बोले हमको मिला नहीं है और किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, ऐसा बोल के हमारे पेरेंट्स लोग को लोग भगा दे रहे हैं और कोई जानकारी नहीं है ऐसा बोल रहे। आज हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने जानकारी दी है कि ये प्राइवेट स्कूल ने जो ट्यूशन फीस की जो हमको दिया है चार्ट, उसमें ट्यूशन फीस निर्धारित नहीं है। पिछले साल ट्यूशन फीस थी 8,088 रुपये एक क्लास की और इस बार दिखा रहे हैं 24,000। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।